अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद का पहला दिन और दूसरा दिन। और मैं सबसे पहले यहाँ पे नमाज़ के लिए खड़ी हो रही थी और बिल्कुल सुबह सुबह से ही मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ईद तो वैसे गुजर चुकी है, आज उसका मतलब उसके बाद का दिन है, चौथा दिन आप समझ लें। आज के दिन आपको ये व्लॉग मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ईद की छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो ये पूरा ही जो है ना वो ईद में ही गुजर रहा है। ईद की जो भी दावतें वगैरह चल रही है ना, इन सब में तो सबसे पहले तो जैसे कि हर घर में सुबह के टाइम सब जल्दी उठ जाते हैं नमाज़ के लिए। मेरे अपने घर में भी शादी से पहले हम सब जल्दी उठ जाते थे, फ्रेश हो जाते थे और नमाज़ के लिए जो हमारे घर के मर्द होते हैं ना, वो मस्जिद में चले जाते हैं और हम सब मतलब बाकी जो औरतें लड़कियाँ वगैरह हम घर में ही पढ़ते थे। लेकिन अभी इस घर में शादी के बाद, क्योंकि मैं इधर अकेली होती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम की फैमिली ऊपर होती है तो वो लोग ऊपर पढ़ लेते होंगे, लेकिन ये है कि फिर जब नमाज़ का टाइम होता है तो फिर अहमद और मोहसिन भाई चले जाते हैं नमाज़ के लिए और मैं जो हूँ अपनी नमाज़ घर में पढ़ लेती हूँ। और नमाज़ के बाद जो है वो फिर सबके साथ ईद मिलना, ईद मुबारकबाद देना शुरू हो जाता है। तो आप सबको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। वैसे तो मैं ईद के दिन भी आपके साथ चांद रात का व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, तभी मैंने आपको मुबारकबाद दी थी। तो एक दफ़ा फिर से, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो ईद स्पेशल है, ईद के दिन का है, तो एक दफ़ा फिर से आपको ईद मुबारक। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और अहमद जो है ना वो सुबह के टाइम जब नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं तो उससे पहले वो ना मीठा खा के जाते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी रात को बना के रख लेती हूँ तो वो सुबह अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। तो फिर वो खा के जाते हैं और उसके बाद फिर ये है कि नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर नाश्ता करते हैं हम सब। और नाश्ते के बाद ना अभी यहाँ पे मोहसिन भाई और उनकी फैमिली जो है वो नीचे आए हुए थे और ये चाट वगैरह लेके आए हुए थे, फ्रूट चाट और ये चना चाट। और मेरे ख्याल से जितना मर्ज़ी आप रमज़ान में ये चना चाट खा लो, लेकिन जो टेस्ट इसका ईद पर आता है ना, वो बिल्कुल भी रमज़ान में नहीं आता। और बस फिर चाट वगैरह खाई थी, उसके बाद अहमद की जो खाला है वो आई हुई थी घर में और फिर उनके आगे भी वही मीठा और चाट वगैरह सर्व किया था। उसके बाद बस फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि फिर उसके बाद ऐसा कोई खास काम था नहीं करने को, क्योंकि मुझे भी शाम में अपनी मामा के घर जाना था तो इसलिए खाना वगैरह उस दिन हमने कुछ बनाया ही नहीं घर पर। और छोटी में तो क्योंकि अभी दूसरा जो उनके लिए ना थोड़ा सा परहेजी खाना बन रहा था तो मैंने वो बना दिया था। अभी मैं नीचे वाले पोर्शन में आई हूँ और आप लोगों को ना क्लियर बाहर से बड़ी आवाज़ें आ रही होंगी तो ज़रा उनको इग्नोर कर दें। तो बस जी, फिर शाम के टाइम में मैं आ गई थी मामा के घर और मामा ने दावत दी हुई थी मुझे और अहमद को, तो बस हम लोग आ गए हुए थे। और उस्मान को जी यहाँ पे हर एक से ईदी मिली थी और इतना वो खुश था, पता नहीं उसको किसने सिखा दिया कि इस तरह से ना ये पैसे पता नहीं ऊपर ऊपर फेंक के वो उड़ा रहा था बाकायदा और खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसे जैसे पता नहीं पहले से पता था कि पता नहीं ईदी मिलती है और इस तरह से वो लेके इतना खुश हो रहा था ना सबसे, शायद सब उसको दे रहे थे ना तो वो बड़ा एक्साइटेड भी हो रहा था कि पता नहीं मुझे क्या मिल रहा है, तो वो ऊपर से फेंक फेंक के ना बड़ा खुश हो रहा था। तो खैर बस सबने उसको ईदी दी और उसके बाद फिर जी खाना लग गया था। खाने में मम्मा ने बनाया हुआ था ये बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाई हुई थी और साथ में कोफ्ते बनाए हुए थे, साथ में दही फुल्की और सैलड वगैरह था, साथ में मीठा बना हुआ था। मीठा तो ये जो इस ईद का मतलब स्पेशल होता है ना, वो तो उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। वैसे भी कोई दावत होती है तो मीठा तो लास्ट नहीं होता है, लेकिन इस ईद पे तो मीठा सबको ही खाना मतलब बाद में बनेगा, लेकिन मीठा जो होता है ना वो सबसे पहले बन जाता है। तो मामा ने ना यहाँ पे शीर कोरमा बनाया हुआ था, जो मीठी सेवैयाँ होती है ना उस तरह से वो बनाया हुआ था। मैं अभी सबको ना निकाल के सर्व कर रही थी और उसके बाद मैंने अपना अच्छा ये वाला ड्रेस पहना था जो आपने भी वीडियो में देखा है लास्ट, तो मैंने ये वाला वेयर किया था मामा के घर जब मैं आई थी, मैंने फर्स्ट डे यही पहन लिया था। और बिल्कुल जब सुबह का टाइम था नमाज का तब मैंने दूसरा फ्रॉक पहना हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया था शाम के टाइम। तो बस फिर उसके बाद मामा के घर में थोड़ा टाइम स्पेंड किया और बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर रात को काफ़ी देर हम मतलब घर आए थे और फिर ये है जी नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक ही वीडियो में ना ईद के दोनों दिन का व्लॉग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि दोनों दिन के जो है ना वो थोड़े थोड़े क्लिप्स थे तो ये है कि फिर वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने एक जो है ना एक साथ आपके साथ शेयर कर दी है ताकि जो है ना थोड़ा सा व्लॉग जो है वो 10-12 मिनट का बन जाए। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने ईद पे क्या क्या बनाया, दावत दी या दावत जाके खाई। और इसके अलावा मुझे ये भी बताना कि आप लोगों को ना ये छोटे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या फिर लंबे लंबे व्लॉग्स, तो फिर उस हिसाब से ना मैं फिर व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये है अभी नेक्स्ट डे और ईद के दूसरे दिन हमारे घर में दावत थी, मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं उन दोनों की दावत थी और मेरी बड़ी नंद की भी थी और छोटी नंद की भी थी।
तो बस अभी हम लोग सुबह के टाइम उठ गए थे और छोटी मिनी बल्कि वो आके उठा दिया था, वरना शायद अगर वो ना उठाती ना तो हम लोग फिर लेट ही उठते, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है सब लेट ही उठते हैं। लेकिन खैर वरुणा के बताया कि नहीं आज जो है वो सब आ रहे हैं, उन्होंने सुबह एक दफ़ा ना फ़ोन करके कन्फर्म कर लिया था, तो ये था उनका प्लान कि वो आ रहे हैं, तो फिर इसलिए हम लोग उठे, नाश्ता वगैरह किया सबसे पहले ताकि फारिग हो जाए। उसके बाद मैंने चिकन कह रही हूँ किचन जो था ना पहले वो मैंने सारा समेटा, ताकि एक दफ़ा जब किचन आपका क्लियर हो जाता है ना उसके बाद जो भी आपने बाद में खाना बनाना होता है तो वो फिर ना ईजी जाता है। मेरे किचन में ना वैसे भी थोड़ी सी जगह जो है ना वो थोड़ी कम है, काउंटर टॉप एक ही है, तो फिर थोड़ा सा ना ये आपको क्लियर करना पड़ता है कोई भी खाना वगैरह पकाने से पहले। तो दावत के मेन्यू में था आज ये पाए और साथ में चिकन पुलाव जो कि मैं बनाने वाली थी, और पाए जो है वो छोटी अम्मी बनाएंगी, क्योंकि छोटी अम्मी ना हमेशा जो पाए हैं ना वो खुद बनाती हैं, उनको मतलब ना बड़े अच्छे पाए वो बनाती हैं बहुत मज़े के, और सब लोग बहुत शौक से भी खाते हैं, तो इसीलिए हमने फिर मेन्यू में ये रख लिया था। और अभी बस मैं नाश्ता वैसे बना रही थी साथ 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 में छोटी अम्मी ने ना बाहर ये प्याज और टमाटर वगैरह जो है ना वो कट कर रही थी, ताकि जो है ना जैसे ही मैं नाश्ते से फारिग होंगी ना तो वो पाए का जो भी सालन है वो मतलब उसको रेडी कर लेंगी। तो छोटे मी के साथ ना मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने बहुत हेल्प करवाई थी, जो भी मतलब खाना वगैरह बनना था और खाने में मतलब जैसे पाए बनना था और साथ में जो मैंने चिकन पुलाव बनाना था ना उसमें भी उन्होंने मेरी हेल्प करवा दी थी। मुझे जो भी मसाले के लिए जो भी जैसे प्याज टमाटर वगैरह काटना होता है वो उन्होंने मुझे कट करके दे दिया था। बाकी ये कि मैंने ईद से पहले लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बना लिया हुआ था, धनिया वगैरह कट कर लिया हुआ था, तो थोड़ी आसानी हो गई थी, बल्कि काफ़ी आसानी हो जाती है, टाइम की भी काफ़ी जो है ना वो बचत हो जाती है। तो बस यहाँ पे पाए जो है ना, अच्छा ये ना हमने ईद से एक दो दिन पहले मंगवाए थे, रमज़ान का जब कोई सेकंड लास्ट होता था शायद जब, और तब हमने मंगवाए थे, और तब छोटे मेरे ना इसको एक दफ़ा बॉईल करके उसका पानी निकाल दिया था, फिर दोबारा से इसको प्रेशर लगा के लगाने के लिए मतलब रख दिया था, और तब इसमें सिर्फ एक कर जाता है जी थोड़ा सा नमक और जो भी साबुत गर्म मसाले होते हैं ना वो डाल दिए थे और लहसुन अदरक का पेस्ट, तो बस ये डाल के तो इसको प्रेशर लगा देते हैं, बल्कि प्रेशर नहीं था लगाया, सॉरी हम जब भी पाए बनाते हैं ना तो प्रेशर नहीं लगाते हैं, बल्कि बिल्कुल लो फ्लेम पे ना बड़े से देगची में चढ़ा देते हैं ढेर सारा पानी डाल के, और ये कि वो काफ़ी कोई 4-5 घंटे पकता रहता है, और फिर ये कि वो गल जाते हैं बड़े अच्छे से। और यहाँ पे जब वो पाए गल गए थे तो उनको ना फिर हमने फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि उस टाइम तो वो पकने नहीं थे रमज़ान में, तो फिर छोटी मैंने कहा था कि ये फिर ईद पर ही बना लेंगे, तो बस फिर उसको फ्रीज़ कर दिया हुआ था, तो अभी हमने वो भी सुबह के टाइम ही निकाल दिया हुआ था, क्योंकि आज यही सोचा था कि जब जो भी दावत का मेन्यू होगा ना उसमें ये बन जाएंगे पाए और साथ में चिकन पुलाव। तो यहाँ पे जी हमने फिर पहले तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, और नाश्ते में ना मम्मा ने जो भी सालन बनाया हुआ था ना जो मैं एक दिन पहले दावत पे गई थी, तो उन्होंने कोफ्ते वगैरह मुझे साथ ना दे दिए थे सालन, ताकि नेक्स्ट डे नाश्ते में काम आ जाएंगे। तो अहमद वैसे भी ना बड़े शौक से खाते हैं नाश्ते में, कोई भी सालन होता है ना तो वो रोटी के साथ वही खा लेते हैं, तो फिर इसलिए ना उन्होंने वो दे दिया था। और बस फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और मैंने पहले सारा जो है ना वो बर्तन वगैरह धो दिए थे, ताकि किचन जो है ना वो क्लियर होता जाए साथ साथ। और अभी जब अहमद और छोटी अम्मी बना रहे थे ना पाए मिलके, तो फिर तब मैं बर्तन धो रही थी, और उसके बाद फिर बस जब वो लोग फारिग हुए हैं तो मैंने यहाँ पे चिकन पुलाव की तैयारी शुरू कर दी थी। तो पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल में डाल दिया था प्याज, मैंने ना 4 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी जुरन कट करके, मैंने उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल ताकि वो जल ना जाए। टमाटर 3 बड़े साइज़ के मैंने ले लिए थे, साथ में यहाँ पे मैंने तेज़पत्ते लिए थे 2 से 3, बादियान के फूल 2 ले लिए थे, बड़ी इलायची 3 ले ली थी, साथ में जो दालचीनी होती है उसके 2-3 टुकड़े, और साथ में छोटी इलायची 3 से 4, लौंग 3 से 4-5 लेनी है आपने, और मैं साबुत काली मिर्च वगैरह नहीं डालती, और इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ी सी लाल मिर्च ताकि जो स्पाइसेज है वो कम ही रहे, ताकि छोटी में भी आराम से खा लेंगी, और नमक भी मैंने बहुत नॉर्मल सा डाला था ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर लेंगे खुद से। तो उसके बाद मैंने इसमें जब प्याज हल्की सी ब्राउन हुई है तो मैंने चिकन ऐड कर दिया था, चिकन ना मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था आप समझ लें 1.25 किलो होगा, क्योंकि जो था ना चावल वो भी हमने 4 गिलास लिए थे, 4 गिलास हमारे घर में ये वाला हिसाब है कि मतलब जैसे 1.25 किलो ही आप समझ लें, क्योंकि 3 गिलास हमारे घर में 1 किलो बनता है, तो मैंने 1 गिलास और ले लिया था, तो वो आप 1.25 किलो ही समझ लें। तो दूसरा ये कि जो चिकन था ना वो भी ऐसी कुछ था 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया हुआ था। तो बस अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया हुआ था वो मैंने डाल दिया, अच्छा मसालों में मैंने इसके अलावा ज़ीरा लिया था 1 बड़ा चम्मच, इसके अलावा धनिया पाउडर लिया था 2 बड़े चम्मच मैंने लिए थे, और इसके अलावा जो है ना जो गरम मसाला होता है पिसा हुआ वो मैंने ले लिया था 1/2 टीस्पून, और बस ये सारे स्पाइसेस में डाल के और साथ ही टमाटर ऐड कर दिए।
इसके अलावा जो है ना एक चम्मच वो सौंफ का भी ऐड करना है। तो जो है ना सौंफ से इस पुलाव का जायका बहुत मज़े का आता है, आप लोग सौंफ ज़रूर ऐड करना। और थोड़ी मैं क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही थी, 1 किलो से ज़्यादा ही था, तो इसीलिए जो है ना सौंफ मैंने 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दिया था। और बस अब इन सब चीज़ों को डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो है ना सब चीज़ें वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मतलब जिसमें सिर्फ चिकन जो है ना वो गल जाए। मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ ना तो हमारे घर में कोई भी पुलाव का जो मसाला होता है ना रेडीमेड मसाले वो कोई भी नहीं डालती मैं, ना ही कोई और डालता है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और बेशक हम लोग इस तरीके से बनाएं या फिर जो चखनी वाला पुलाव होता है ना उस तरह से बनाएं तो फ्लेवर दोनों तरीके से बहुत अच्छा आता है। और अगर चिकन क्यूब आपके घर में हो तो आप डाल दें, नहीं तो आप वो भी ना डालें तब भी जायका बहुत अच्छा बन जाता है। बिल्कुल यहाँ पे एंड मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया था क्योंकि जो हम चिकन फ्रीज़ करते हैं ना तो तब भी हम थोड़ा सा नमक लगा के फ्रीज़ करते हैं, तो ऑलरेडी उसमें पहले नमक था तो मैंने थोड़ा सा भी और डाल दिया। और जब उसमें मज़ीद पानी डालूंगी ना चावल डालने से पहले तो तब मैं एक दफ़ा नमक चेक कर लूँगी। अभी जो है पुलाव को मैंने रख दिया था जी कवर करके ताकि चिकन जो है वो गल जाए। उसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह जो थे वो प्रेस किए थे और ये ड्रेस जो है ना मेरा जी अगले दिन जल भी चुका है। इस दफ़ा जब मैंने प्रेस किया था ना तो नहीं जला, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे कहीं जाना था तो बस मैं उसके लिए प्रेस करी थी दोबारा और ये मेरा ड्रेस चल गया। खैर मुझे फिर मैंने पहना भी नहीं, अब ये है कि इसको ये लेकिन ये कि वो ठीक तो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा बिल्कुल साइड से हुआ है, तो ये है कि वो लेकिन क्योंकि फ्रंट से है तो मुझे ना उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो अब देखें अब ईद के बाद ही है, जब कभी मतलब मौका मिला तो फिर मैं उसको ठीक करवाऊँगी। खैर उसके बाद बस जी यहाँ पर कपड़े वगैरह जो थे वो इस्त्री हो गए और मैं इस टाइम रेडी भी होना शुरू हो गई हुई थी। और मैं बीच बीच में ना पुलाव को भी आके देख रही थी कि चिकन गल ना गया, और बस पानी वगैरह डाला उसमें मैंने जितना मुझे चावलों के साथ डालना था, फिर चावल डाल दिए और बस खाना पक गया था। और बस कुछ ही देर में जो है ना सब जो गेस्ट हैं वो भी आ गए हुए थे, जो मेरी छोटी नंद है वो भी आ गई थी और जो बड़ी बाजी है ना बड़ी नंद वो भी आ गई हुई थी और बच्चे भी आए थे। माशाल्लाह इतनी घर में रौनक लग जाती है ना, तो इस वक्त सब बैठ के जो है सबसे पहले चाट वगैरह इंजॉय कर रहे थे। तो बस अभी जब सब मेहमान आ गए थे ना तो फिर मैंने यहाँ पे ना जो चावल है ना वो पानी में अब डाले थे क्योंकि पानी तो पहले मैंने डाल के पका लिया था अच्छे से, लेकिन फिर चावल जब मेहमान आ जाते हैं फिर हम मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे डालते हैं ताकि वो गरम गरम बन जाएं तो ना फिर सबको अच्छे भी लगते हैं। तो बस अभी बस खाना भी बाहर लगने लग गया था क्योंकि चावल जो हैं वो दम पे लग गए थे। और मेरे घर से ना दोनों भाई जो हैं वो भी आए हुए थे अभी क्योंकि घर पर और कोई था नहीं, सब जो है मेरी फैमिली जो थी ना वो आज के दिन गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, तो इसीलिए फिर जो बस भाई थे घर में तो मैंने उन दोनों को भी कहा था कि तुम लोग भी आ जाओ, यहाँ पे खाना शाना सब बन रहा है तो आके साथ बैठ के खा लेंगे। तो फिर वो लोग भी आ गए थे अभी, तो बस फिर खाना वगैरह लगाया यहाँ पे। ये बर्तन जो हैं ये नीचे से मुझे अहमद ने ला दिए थे और बस फिर इसमें खाना वगैरह मैं सर्व करी थी अभी। तो आप लोग मुझे ना कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ईद पर आप लोगों ने अपने घरों में क्या बनाया, और क्योंकि ईद वाला दिन सबसे पहला दिन जो होता है उस दिन तो कोई ना कोई सबकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ बन रही होती, कोई स्पेशल चीज़ बन रही होती, तो मुझे आप लोग ज़रूर बताना। और बस यहाँ पे जी खाना लगा दिया था, पाए थे साथ में जी जो रायता और सैलड थी मैंने वो भी था साथ साथ बना लिया हुआ था, बस रोटियां बाहर से मंगवाई हैं और बस खाना लग गया था। सबने बहुत पसंद किया था पाए भी और साथ में पुलाव भी। और उसके थोड़ी देर बाद ही फिर मैंने चाय भी रख दी थी और आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा किचन क्लियर भी लग रहा है क्योंकि हस्बैंड ने ना सारे जो बर्तन थे जो भी गद्दे ही थे खैर, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ना समेट के रख दिए थे ताकि बाद में आराम से जो है ना वो धो लेंगे मिलकर। तो बस इस तरह से किचन अगर समेट लो ना तो फिर ये कि बाद में थोड़ा काम आसान हो जाता है, चाय वगैरह बनानी हो या उसके बाद फिर अगर बर्तन भी धोने हैं तो वो फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके धुल जाते हैं, वरना तो बिल्कुल एकदम से एक सारा सिंक वगैरह और काउंटर टॉप भर जाता है तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती और एक अलग से जो है ना किचन गंदा लग रहा होता है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।